तो आदाब नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। दो दिन की गैर हाजिरी के बाद, दो दिन तक था नहीं, बहुत सारे आपके मेल पड़े हमेशा की तरह, वैसी शिकायतें, लेकिन मजबूरी थी और इस वजह से, वरना मैं हमेशा कोशिश करता हूँ रात 9 बजे हूँ। तो कभी कभी ऐसा जब मौका आया करे तो थोड़ा अपना गुस्सा जो है कम भी कर लिया कीजिए, इसलिए कि जानबूझ के ऐसा होता नहीं है। पूरी जो हम लोगों की ज़िंदगी है, जो पूरा काम है जिस तरीके का, और बाकी भी चीज़ें हैं बहुत सारी, तो उसकी वजह से कई बार ऐसे पल ऐसे मोड़ आते हैं। और दो दिन तक, इवन मैं आज तक पे भी नहीं था, वारदात पे भी नहीं था। तो खैर, आगे बढ़ते हैं अब कहानी की तरफ, कहानी की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि पूरी क्राइम तक फैमिली अच्छी होगी। और आज थर्सडे है, अभी थोड़ी देर पहले शाम, बल्कि थोड़ी क्या, लगभग 2.25 घंटे पहले उद्धव ठाकरे, पहले ठाकरे परिवार से ऐसे शख्स आए जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। पहली कैबिनेट की मीटिंग भी चल रही है। तो एनसीपी, कांग्रेस के साथ शिवसेना, इन तीनों ने मिलकर सरकार बनाई है। अब महाराष्ट्र को, कम से कम वहाँ की जनता को, एक महीने के बाद एक सरकार मिली, मिली तो सही कम से कम। तो ये है राजनीतिक तौर पे जो अभी बड़ी खबर। बाकी अब आइए जुर्म की दुनिया की खबरों को टटोलते हैं। आज का जैसे कि टीज़र आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने ये फरमाइश की थी इस कहानी की। और इत्तेफाक की बात यह है कि इस कहानी से भी जुड़ी हुई बड़ी बहुत सारी ऐसी अनोखी चीज़ें। मैं आज इस कहानी को सुनाने से पहले आज दोपहर को यूँ ही सोच रहा था, और फिर मैंने कई बार सोचने से कई अजीब सी चीज़ें पता चलती हैं। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी क्रिमिनल होते हैं, बदमाश होते हैं, कानून के दुश्मन होते हैं। चंबल में जितने डाकू हुए वो भी कानून के दुश्मन हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, मैंने खुद से ही पूछा। तो बहुत सारे ऐसे केस स्टडी के तौर पर देखा, नाम आए सारे, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, छोटा राजन हो, अबू सलेम हो, हाजी मस्तान हो, या फिर और भी जितने सारे आप अंडरवर्ल्ड के नाम याद कर लीजिए। दूसरी तरफ इधर चंबल में आइए आप, चाहे वो फूलन देवी हो, चाहे मान सिंह हो, चाहे पान सिंह तोमर हो, चाहे ददुआ हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे ठोकिया हो, इन सब के बीच में एक अजीब सी चीज़ है। अंडरवर्ल्ड में जितने डॉन बने, वो एक तरह से उनकी कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी, वो पेशेवर थे और उन्होंने जुर्म की रास्ता, जो जुर्म की दुनिया है, अपनी मर्ज़ी से चुना और उसके रास्ते पे चल पड़े। चंबल की जितनी भी आप कहानियाँ पढ़िए उठाकर, उसमें हर एक कहानी में एक कॉमन चीज़ निकल कर आती है कि चंबल के बीहड़ में जो भी गया वो बागी बनकर गया। और इसीलिए चंबल में जो डाकू जितने भी हुए, वो अपने आप को कभी डाकू कहलाना पसंद नहीं करते, वो अपने आप को बागी कहलाना पसंद करते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने से ही चला रहा, बल्कि अंग्रेज़ों से पहले से। तो हर चंबल के डाकू या बागी की अपनी एक कहानी है, और वो कहानी जो है वो कहीं ना कहीं जुल्म ज्यादती की कहानी है, जिसके बाद वो बंदूक उठा लेते हैं, बीहड़ का रुख करते हैं, चंबल में भाग जाते हैं। तो ये फ़र्क है अंडरवर्ल्ड डॉन में और चंबल के डाकुओं में। यहाँ के हर डाकू की एक कहानी है जिसकी वजह से वो डाकू बनता है, वरना उससे पहले उसकी अपनी एक ज़िंदगी थी, शराफत की ज़िंदगी जी रहा था, परिवार के साथ था, लेकिन कई बार कुछ ऐसे मोड़ आए जिसने उसको बागी बनने पर मजबूर कर दिया। तो ये एक फ़र्क है इन दोनों में। आज खुद ही सोच रहा था तो मुझे लगा आपसे शेयर करता हूँ। अब आज जो कैरेक्टर है, जिस बीहड़ के डाकू की बात कर रहा हूँ, चंबल में शायद आखिरी डाकू के तौर पर अगर जिसका सबसे बड़ा नाम हो चंबल के इतिहास में, तो यही था शिव कुमार पटेल। अब इस नाम से अगर आप क्विज खेलें तो 10 में से 9 लोग शायद नहीं बता पाएंगे कौन है शिव कुमार पटेल, लेकिन शिव कुमार पटेल ही असली नाम है ददुआ का। तो ददुआ चंबल का आखिरी सबसे बड़ा डाकू। पूरी कहानी जो है फिल्मी है। ये वो डाकू है ददुआ, जो चंबल में एक इसके नाम पर रिकॉर्ड है कि करीब 32 साल तक ये चंबल के बीहड़ में रहा, लेकिन कभी पुलिस इसे पकड़ नहीं पाई। 32 सालों में पुलिस ने ददुआ का नाम जैसे ऐसे खूंखार बनता गया, पकड़ने के लिए बड़े जाल बिछाए, बहुत सारे ऑपरेशन किए, बहुत सारी टीमें बनाई, एसटीएफ तक लगी, महीनों महीनों चंबल बीहड़ उस पूरे इलाके के खाक छाने गए, इंटेलिजेंस पे, बाकी चीज़ों पे पैसे बहाए गए। कहते हैं करीब 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा, सिर्फ ददुआ को पकड़ने, ददुआ की तलाश, ददुआ का सुराग देने के लिए यूपी गवर्नमेंट को खर्च करने पड़े। लेकिन उसके बावजूद ददुआ कभी जीते जी पुलिस के हाथ नहीं आया। 32 साल तक वो पुलिस को छकाता रहा, कभी पकड़ा नहीं गया। एक बार सिर्फ ऐसा हुआ था जब ददुआ पुलिस से घिर गया था चारों तरफ से,
और तब ये हुआ कि बचने का कोई चांस नहीं था, और खुद ददवा को भी लगा कि अब इस बार नहीं बच पाएंगे। तब कहते हैं कि उसने उस वक्त एक मन्नत मांगी थी कि अगर आज मेरी जान बच गई और मैं यहाँ से निकल भागा तो फिर मैं एक नरसिंहपुर, फतेहपुर के पास है, वहाँ एक मंदिर बनाऊँगा। इत्तेफाक की बात, किस्मत ने साथ दे दिया। पुलिस को चकमा देकर किसी तरह ददवा के कई साथी मारे गए, ददवा वहाँ से निकलकर भाग गया। और इसके बाद उसने अपनी इस शपथ को पूरा करने के लिए, चूँकि मन्नत मांगी थी, फिर इस नरसिंहपुर में एक मंदिर भी बनवाया। और जब मंदिर बन के तैयार हो गया तो बाकायदा उसने मंदिर के उद्घाटन का भी ऐलान करवाया। अब पुलिस के लिए इससे आसान मतलब मौका नहीं था ददवा को पकड़ने का, कि एक ददवा ने ही मंदिर बनाया, उस मंदिर के उद्घाटन में ददवा खुद आएगा। उसने बाकायदा ऐलान किया है, और इसके बाद पुलिस ने चारों तरफ, और वो जो मंदिर के उद्घाटन का वक्त था उस इलाके में एक मेला भी लगता था, तो उसने कुछ एक उसके हिसाब से तारीख निकाली थी। तो ये था कि वो उद्घाटन करने जाएगा, पुलिस, एसटीएफ, सारे फोर्स मंदिर के आसपास, उसके इलाके में जो आसपास के गांव हैं, सब जगह पे उन्होंने घेराबंदी कर लिया, क्योंकि ये गोल्डन चांस था पकड़ने का। लेकिन कमाल देखिए कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद, ऐलानियाँ सब कुछ बताने के बावजूद, ददवा वहाँ पहुँचता है, मंदिर में आता है, पूजा करता है, उद्घाटन करता है और निकल लेता है, और पुलिस को पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो भेस बदल कर आया था। अब इसमें कई कहानियाँ हैं कि वो आम एक गांव वाले का भेस बना कर आया था, कुछ है कि वो पुजारी के भेस में आया था, कुछ है कि वो पुलिस वाले के ही भेस में आ गया था। लेकिन ये फैक्ट है कि वो खुद आया, उन तमाम पुलिस की घेरेबंदी के बावजूद उद्घाटन करता है और चला जाता है। तो ये ददवा ददवा था। अब सवाल है कि ददवा एक शिव कुमार पटेल ददवा बना कैसे? तो इसकी भी कहानी शुरू होती है उसी चित्रकूट के इलाके से, और ये वो इलाका है जो यूपी और एमपी में बटा हुआ है कई हिस्से, और इसीलिए जो चंबल के डाकू या बिहड़ के होते हैं वो हमेशा एमपी और यूपी दोनों के लिए सरदर्द होते हैं, क्योंकि कुछ सीमाएं एमपी से लगती हैं, कुछ यूपी से लगती हैं। तो ददवा भी इसी जगह पे चित्रकूट के पास एक गाँव में पैदा हुआ, बचपन ठीक ठाक जा रहा था, करीब ये 17-18 साल का हुआ तब। ये दवेगली एक गांव है जहां पे इसके पिता रहते थे और ये रहता था। एक दिन अचानक वहां पे एक पड़ोस का गांव है रायपुर, उस रायपुर के ज़मींदार ने, जिसका नाम था जगन्नाथ, शिव कुमार पटेल के पिता को किसी वजह से दुश्मनी थी, पूरे गांव में नंगा करके घुमाया और घुमाने के बाद कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। ये बात जब शिव कुमार पटेल को पता चली तो जाहिर सी बात है वो अपने बाप का बदला लेने के लिए मतलब उतावला हो गया, और उसने कसम खाई कि वो बदला लेगा, उसे मालूम था कि किसने मारा है। इसके बाद मौका देखते ही वो जगन्नाथ के घर पहुंचता है, जगन्नाथ को गोली मारता है जिसने उसके बाप को नंगा घुमाकर मारा था, और उसके साथ साथ 8 और लोगों को मारता है। तो एक साथ उसके जुर्म की जो शुरुआत होती है 9 कत्ल से एक ही दिन में। 9 कत्ल करने के बाद वो जाहिर सी बात है अपने गांव से निकलता है और सीधे बेहड़ का रुख करता है, जहां हर बागी को पनाह मिलती है, और वो फिर बेहड़ पहुंच जाता है। इसके बाद धीरे धीरे इधर इस जो इतने सारे कत्ल हुए उसको लेके पुलिस और तमाम लोगों पे भी दबाव, लेकिन ये कौन, क्या, ये कौन सा डाकू, ये किसी को समझ भी नहीं आ रहा। फिर पता चला कि ये शिव कुमार पटेल है, और उसका कोई पुराना जुर्म ना कुछ बाकी, लेकिन वो बीहड़ पहुंच जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता, वो अपना फिर वापस आने का चांस नहीं था क्योंकि पुलिस ढूंढ रही थी। फिर उसने अपना मुकद्दर बीहड़ को बना लिया और अपना एक गैंग बनाने का उसने फैसला किया। इसके बाद वो गैंग बनाता और फिर शिव कुमार पटेल नाम छोड़कर ददवा नाम रख लेता है, और अब ददवा का आतंक शुरू हो जाता है। सबसे पहले वो जिस जगह पर गया था और जो वहाँ पर पनाह ली, उस इलाके में तेंदू के पत्ते सबसे ज़्यादा होते हैं और वो लाखों करोड़ों का बिजनेस है, उस तेंदू के पत्ते से ही बीड़ी और सारी चीज़ें बनती हैं। तो सबसे पहले उसने उन व्यापारियों को निशाना बनाना शुरू किया जिनके पास ये ठेका टेंडर हुआ करता था, और उसमें उसने अपना हिस्सा मांगना शुरू किया। लूटपाट, किडनैपिंग, जो आमतौर पर डाकू करते हैं, वो सब वो करने लगा। लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी छवि दूसरी बनने लगी। उस तेंदू के पत्ते के लिए जो मजदूर काम करते थे, पता चला कि जो ठेकेदार और मालिकान थे वो उन्हें बड़ा कम मजदूरी देते थे। तो लोग ददवा के पास जाने लगे, ददवा ने उनकी कहानी सुनी, फिर ददवा उन लोगों को पकड़ के लाता और उनसे कहता कि इनका हक दो। तो धीरे धीरे वो गरीबों की मदद करने लगा। तो एक तरफ वो मारता, लोगों को लूटता, किडनैप करता,
दूसरी तरफ गरीबों की मदद करता है, उनकी शादी ब्याह बाकी चीज़ों में भी, कोई उनका ज़मीन हड़प लेता वो दिलवाता। तो इस तरीके से उसकी एक इमेज बनती गई रॉबिनहुड की भी। धीरे धीरे खूंखार इतना था ये कि अपने दुश्मनों को कभी बख्शता नहीं, ख़ासतौर पर जिस तरीके से मुखबिरों को इसने मारा उसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं कि कितना किस हद तक ये खूंखार था। ददवा के टाइम में कहते हैं मुखबिरी करने का मतलब है, जो मुखबिरी करने जा रहा है उसने सोच लिया कि ददवा के खिलाफ मुखबिरी करनी है, चाहे वो पुलिस से या किसी और से, तो उसका मतलब ये था कि वो उस दिन ये तय कर ले कि उसे मरना है, क्योंकि ददवा तक ये बात पहुंची नहीं और ददवा के पास फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं, वो उसे मार डालेगा। और यही वजह है कि पुलिस को 32 साल लग गए लेकिन ददवा की गिरफ्तारी छोड़िए ददवा की एक तस्वीर तक पुलिस के पास नहीं थी, क्योंकि जितने लोगों ने मुखबिरी करने की कोशिश की ददवा ने उन सबको पकड़ पकड़ के मार डाला। अब सवाल यह कि ददवा की उस वक्त जो इंटेलिजेंस थी अपनी वो पुलिस से भी ज़्यादा मजबूत क्यों थी, और कहते हैं कि पुलिस में जितने खबरी होते हैं पुलिस के पास जो खबरी थे उससे ज़्यादा खबरी ददवा के पास हुआ करते थे, हर जगह हर गांव में हर पेशे के लोगों के बीच में, इवन पुलिस के अंदर भी ददवा के मुखबिर हुआ करते थे। और यही वजह है कि जब भी कोई मुखबिरी करने की कोशिश करता ददवा को पहले पता चल जाता, फिर वो उसको ऐसी सज़ा देता कि दूसरे लोगों तक ये बात पहुँचे ताकि लोग डरें, उनके गाँव जाता उनको। एक मुखबिर को इसने इस तरीके से मारा था गांव में घुसकर कि उसका गला काटा, गला काटने के बाद एक बांस के ऊपर उसका सर टांगा और उस बांस को पूरे गांव में कई गांवों में आसपास के घुमाया गया इस संदेश के साथ कि जो ददवा के खिलाफ जाएगा उसका अंजाम यही होगा। तो लोग इस वजह से उससे डरते थे, पुलिस के अंदर मुखबिरी थी इसलिए पुलिस जो एक्शन लेती उससे पहले ददवा को पता चल जाता। और उस वक्त कहते हैं कि ददवा के इंटेलिजेंस इतना सॉलिड था नेटवर्क और बहुत सारी उसकी कहानियाँ, लेकिन दो चीज़ें उसके साथ थी कि वो हमेशा अपने साथ एक हिरन रखता था और एक कुत्ता रखता था। हिरन रखने की वजह यह थी कि ददवा चूँकि जंगल और बिहड़ में रहा तो उसे मालूम था कि हिरन के सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है, तो हिरन कोई भी ऐसी या अपने शिकार को या फिर कोई ऐसा शिकारी आ रहा है या कोई आदमी आ रहा तो वो करीब बहुत दूर से हिरन सूंघने के बाद वो ऐसी हरकत करती कि पता चल जाता। तो इसने हिरन पाल रखा था और जहाँ पे ये हिरन को रखता था उससे करीब 1 किलोमीटर दूर खुद और खुद इसका अपना गैंग होता था। तो हिरन की हरकतों पे नज़र रखते थे इसके लोग, जैसे ही देखते थे कि हिरन कुछ अजीब हरकत कर रही है मतलब समझ में आ जाता था कि कोई अनजान शख्स आ रहा है इधर, तो फिर ये अपना अड्डा चेंज कर लेते, मूवमेंट इनका शुरू हो जाता। और कुत्ते के साथ भी यही चीज़ थी, तो ये दोनों चीज़ें थी जिसकी वजह से ये हमेशा बचता रहा, पुलिस ने भी कभी इसको मतलब पकड़ नहीं पाई। वक्त बीतता रहा, कहते हैं कि करीब 200 से ज़्यादा कत्ल ददवा के नाम पर है, 400 से ज़्यादा तो मामले हैं किडनैपिंग से लेकर बाकी चीज़ें, लेकिन 200 सिर्फ कत्ल ही इसके हाथ इसके नाम पर रखे हुए थे। और यही वजह है कि इसने कई ऐसे सामूहिक कत्ल किए, एक एक गाँव में घुसकर कभी 3 कभी 6 कभी 7 इस तरह से भी लोगों को मारा। तो ददवा का जो आतंक है वो बढ़ता गया और धीरे धीरे फिर आलम यह हुआ कि ददवा ने जब उसे लगा कि अब लोग डर रहे हैं तो इसने कहा कि अब राजनीति में हाथ आजमाया जाए। इसके बाद इसने सबसे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की पार्टी, चूंकि ददवा जिस कास्ट को बिलोंग करता था उसकी अच्छी खासी वहां पे वोटर थे, न सिर्फ एमपी में भी बल्कि इधर पूरे यूपी के इस बेल्ट में, कहते हैं एमपी और यूपी में मिलाकर 15 विधानसभा की सीटें और 10 लोकसभा की सीटों पर वही जीतता या हारता था जो ददवा तय करता था। और हर बार वो इलेक्शन में एक तरह से फतवा जारी करता था कि इस पार्टी को वोट देना, इस कैंडिडेट को वोट देना, और जो वोट नहीं देगा उसे मारा जाएगा। एक उसका बड़ा फेमस जुमला था जो मशहूर हुआ था, जब बीएसपी से हाथ मिलाया तो वहाँ पे पोस्टर छप गए थे जगह जगह पे बुंदेलखंड के पूरे इलाके में, और पोस्टर में ये था कि मोहर लगेगी हाथी पर वरना गोली पड़ेगी छाती पर। तो ये ददवा का एक तरह से स्लोगन था जिसके बाद लोग खौफ में भी आए और कहते हैं कि पूरी राजनीति में फिर ददवा का दबदबा शुरू हुआ। और मायावती को उसने सपोर्ट किया पहली बार, इसके चक्कर में अपने भाई को और भतीजे और बहुत सारे लोगों को चुनावी मैदान में उतारा, हालांकि तब हार मिली। इस दौरान में फिर मायावती 2007 के विधानसभा चुनाव में जब ददवा को लगा कि अब मायावती थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है तो मुलायम सिंह के साथ चला गया समाजवादी पार्टी, और मुलायम सिंह के साथ के नाम पे सारे कैंडिडेट को उतारना या उनके नाम पे वो ऐलान जारी करना,
ये सारी चीज़ें की, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इत्तेफाक से 2007 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह हार गए और मायावती चुनाव जीत गई और मायावती मुख्यमंत्री बन गई। अब मायावती को इससे पहले ददुआ चूँकि डिच कर चुका था, पहली बार सपोर्ट किया था, उसके बाद फिर वो मुलायम सिंह के साथ चला गया, लेकिन सरकार मुलायम सिंह की जगह मायावती की आ गई। तो इसी दौरान में एक दो गांव में ददुआ ने, जो जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था उनको भी मारा, और इसको लेकर फिर प्रेशर भी आया, और मायावती का ये भी था कि ददुआ ने पीठ पीछे खंजर खोपा है। तो पूरी यूपी की पुलिस प्रशासन जो है, मायावती की हुकूमत आने के बाद ये तय हो गया कि ददुआ के पीछे पड़ जाएगी। तब तक ददुआ के ऊपर 5-5 करके 10 लाख रुपए का इनाम घोषित हो चुका था। इस दौरान में एक मुखबिर और था जिसने वोट भी नहीं डाला था, उसका भी वो अभी इस साल तक भी जिंदा है। उसके बारे में ददुआ को पता चला तो उसको उठाकर लाया गया बिहार में, और फिर उसको कहा गया कि चलो तुमको जीवन दान दे रहे हैं लेकिन तुमको नेत्र दान करना पड़ेगा, और ददुआ ने इसके बाद खंजर से उसके दोनों आँखें फोड़ दी। वो शख्स आज भी जिंदा है और वो बताता है 3 लोग उसके छाती पे बैठे थे और फिर कैसे उसकी आंखें फोड़ गई थी खंजर से। तो इस तरीके की क्रूरता भी उसने की। तो मायावती की जब हुकूमत आई तो फिर ये साफ साफ हो गया कि ददुआ के पीछे पड़ना है, ददुआ के अब किस्से को ख़त्म करना है। अप्रैल 2007 में मायावती ने स्पेशल टास्क फोर्स को पहली बार ये ऑर्डर दिया कि ऑपरेशन ददुआ चलाओ। इसके लिए अमिताभ यश बड़े टैलेंटेड पुलिस अफसर है, कई बार मैं उनसे मिला भी हूँ। तो अमिताभ यश को ये कमान सौंपी गई। उस वक्त विक्रम सिंह थे DGP उत्तर प्रदेश पुलिस के। तो विक्रम सिंह ने अमिताभ यश को ऑपरेशन ददुआ का इंचार्ज बनाया। इसके बाद बाकायदा STF की जो स्पेशल टीम है, और चूंकि अमिताभ यश इससे पहले भी डाकुओं के इलाके में काफ़ी काम कर चुके थे, तो वो स्पेशल टीम पहुंचती है। अप्रैल से लेकर लगातार 3 महीने तक ये लोग खाक छानते हैं पूरा। इस दौरान में जो इनाम डिक्लेयर किया गया ददुआ के ऊपर, तो ये देखिए कि पोस्टर निकाला गया लेकिन ददुआ की तस्वीर 32 साल तक पुलिस के पास नहीं थी। तो जो कुछ विटनेस थे उनसे पूछ के स्केच बनाया गया, लेकिन पता चला कि वो स्केच भी है जो ददुआ से मतलब हूबहू नहीं मिलता है, और क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया, तो ददुआ की असली तस्वीर असली शक्ल भी पुलिस के पास नहीं, लेकिन ददुआ के पीछे जाना है। इसके बाद 3 महीने तक पुलिस पड़ी रहती है पीछे ददुआ के, पता नहीं कितने किलोमीटर चंबल के खाक छान मारती है, मिलता नहीं है। 21 जुलाई 2007 को पहली कामयाबी बड़ी मिलती है STF को, जब पता चलता है कि ददुआ का एक बहुत खास गिरोह का आदमी जिसका नाम छोटा पटेल है, वो एक खास जगह पे छुपा हुआ। अच्छा, इससे पहले STF ने यह किया कि अब तक नाकाम क्यों रहती थी। STF को मालूम था कि ददुआ के खिलाफ जो मुखबिरी करते हैं लोग, वो मुखबिरों में एक खौफ है, दहशत उसको लेकर, तो इसलिए मुखबिर कई बार झूठी बातें भी बताते थे, और पुलिस के अंदर भी मुखबिर थे इसलिए बात ददुआ तक पहुंच जाती थी। तो पुलिस ने फिर दूसरी चाल चली STF ने, जब ये अमिताभ यश की टीम ने, उन्होंने क्या किया कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया जो ददुआ के सपोर्टर तो थे लेकिन खौफ की वजह से उससे डरते थे, वरना ददुआ ने उनके फैमिली या उनके साथ कुछ ऑलरेडी पहले जुल्म कर चुका है। तो ऐसे लोगों को चुनकर उसका भरोसा जीता और फिर उनसे कहा कि अब तुम मुखबिरी करो। तो धीरे धीरे फिर ऐसे लोग बने, और जो मुखबिर थे या डबल क्रॉस करते थे, पुलिस ने उनका दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। जब STF की टीम पहुंची तो ये बात उड़ी कि ये ददुआ के लिए टीम आई है और इस बार मायावती मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने खुद कमान संभाल रखा, छोड़ेगी नहीं। तो कई बार पुलिस को लगा कि यहाँ पर ददुआ के कुछ लोग मौजूद हैं, तो बाकायदा STF ने ये एक तरह से मैसेज दिया, अफवाह उड़ाई कि हर बार ऐसा होता है, सरकार ने हमें भेजा, हम यूं ही आए, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे और निकल लेंगे, कहाँ हमारे हाथ ददुआ मिलेगा, मुश्किल है, मिलना ही नहीं है, अब तक तो मिला नहीं इतने सालों में। तो ये बात ददुआ तक भी पहुँच गई थी कि STF आई है, लेकिन उसने कहा वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और ड्यूटी दे के भाग जाएंगे। तो ददुआ भी थोड़ा सा बेफिक्र हो गया था, और यही चीज़ STF चाहती थी। तो STF ने एक मैसेज भिजवा दिया ददुआ तक कि वो लोग सीरियसली ऑपरेशन करने नहीं आए, बस दिखावा करने आए। इस दौरान में छोटा पटेल का लोकेशन मिला जो ददुआ का बहुत खास था। पुलिस की टीम पहुंचती है, वहां पे इनकाउंटर होता है, छोटा पटेल मारा जाता है, काफ़ी सारे सामान मिलते हैं। उन्हीं में से एक शख्स से और फिर पता चलता है कि 22 जुलाई को ददुआ कहां पर होगा, और ये 21 जुलाई को ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद रात के टाइम में फिर पुलिस बीहड़ में भटकती रहती है, सुबह होने का उसका इंतज़ार करती है, लोकेशन जो बताया था मुखबिर ने उस लोकेशन तक पहुंचती है,
उसके बाद अचानक यहाँ पे उन्हें कुछ हलचल दिखाई देती है। खबर पक्की थी, एसटीएफ की तरफ से गोलीबारी शुरू होती है, दूसरी तरफ से भी गोलीबारी होती है। करीब 1.5 घंटे तक गोलीबारी होती है। 1.5 घंटे बाद अचानक दूसरी तरफ से फायरिंग की आवाज़ रुक जाती है। इसके बाद संभल कर फिर एसटीएफ की टीम जाती है तो वहाँ पर टोटल करीब 10 लाशें पड़ी हुई थी। अब जाहिर सी बात है कि एक ददुआ की तस्वीर से लेकर बाकी कुछ चीज़ थी नहीं, तो कुछ लोग ही थे जो आइडेंटिफाई कर सकते थे। फिर उनको बुलाया जाता है, वो आइडेंटिफाई करते हैं, 10 की 10 लाशें ले जाया जाती हैं। बाद में फिर डीएनए होता है, डीएनए से आइडेंटिफाई होता है, चूँकि ददवा के बेटा और बाकी लोग वहाँ गांव में थे। तो इसके बाद शायद लाइट गई अभी, तो फिर जाकर उस डीएनए के ज़रिए पता चलता है कि ददवा मारा गया। तो 2007 22 जुलाई को आखिरकार ददवा की कहानी ख़त्म होती है। लेकिन इस दौरान में ददवा का असर ये था कि ददवा के जो भाई हैं एक, वो लोकसभा पहुँच जाते हैं, ददवा का बेटा विधानसभा पहुंच जाता है, ददवा का भतीजा भी विधानसभा पहुंच जाता है। अभी जो 2019 जनरल इलेक्शन देश में हुआ तो उसमें ददवा का बेटा इस बार खजुराहो से चुनाव लड़ा था एसपी के टिकट पे, लेकिन हार गया। और ददवा का जो भाई वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन वो भी हार गए। लेकिन यह कि पूरी फैमिली राजनीति में है, भतीजा बेटा भाई और ये सभी कोई ददवा के नाम पर। एक बार ददवा ने अपने बेटे को ग्राम पंचायत का चुनाव जितवाया था और ये पहला चुनाव था जो उसका बेटा लड़ा था, और उसमें ददवा ने ये कोशिश की थी कि कोई खड़ा ना हो, और इसीलिए उसके लिए धमकी भी दी गई थी, बाकायदा लाउडस्पीकर पे चेतावनी दी जाती थी। और वाकई फिर कोई आया नहीं तो निर्विरोध चुना और वो अध्यक्ष बना। कहते हैं कि उसके चुनाव जीतने की खुशी में ददवा ने एक भोज का आयोजन किया था और इस भोज में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने खाना खाया था और इसका पूरा इंतज़ाम ददवा ने किया था, और इसमें उस वक्त के नेता और कहते हैं कि पुलिस अफसर, ये तमाम लोग भी आए थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद इतनी पार्टी के लिए मतलब वोट देने की अपील और ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन ददवा को आमने सामने से कभी किसी ने नहीं देखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। न 32 साल वो पुलिस के हाथ लगा, न 32 साल तक उसकी कोई तस्वीर पुलिस के हाथ लगी। ऑलरेडी सुना चुका हूँ आप क्राइम तक के लिए 10 किलो वेट कम कर लिया। चलिए नुस्खा मुझे भी बताइएगा आप शाकिर साहब। मुख्तारुल हक हैं, सुखजिंदर खटकार हैं, शायद अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव की कहानी सुनना चाहते हैं, मैं जल्दी सुनाता हूँ सुखजिंदर जी आपको। श्याम दास कौशल हैं, वेणुगोपाल हैं, ये डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी जो आंध्रा के CM थे, चॉपर क्रैश में इनकी मौत हो गई, उनकी कहानी सुनना चाहते हैं, मैं सुनाता हूँ आपको। वेणुगोपाल जी अहमद शाहबाज हैं, इसके अलावा मंगल सिंह हैं, ये भूटानी रिफ्यूजी कैंप नेपाल में रहते हैं और भूटानी रिफ्यूजी और उसकी पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ मंगल सिंह जी। इसके अलावा मुकेश व्यास हैं, इनकी बिटिया हैं अक्षरा व्यास, दोनों क्राइम तक की फैमिली मेम्बर हैं, कहानी सुनते हैं, थैंक यू अक्षरा। गोविंद सहाय गुप्ता है, इन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा और इसके सवाल को पूछने के बाद मुझे भी लगा कि इसका जवाब जानना चाहिए और आप लोगों से भी पूछूंगा तो आपको लगना चाहिए। इनका सवाल ये था कि जब प्लेन में हम सफ़र करते हैं और प्लेन कहीं एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाती है या एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट जाती है, लैंड करती है, तो जो फ्यूल भरता है उसका पैसा कौन देता है? अब ये बड़े बारीक सा सवाल इन्होंने पूछा है, लेकिन वाकई ये सवाल है कि गोविंद सहाय गुप्ता ने कि उस प्लेन जब भी किसी मुल्क में लैंड करता है, जैसे सपोज़ मैं दिल्ली से दुबई गया हूँ, एयर इंडिया की प्लेन उड़ी, दुबई में फ्यूल भराना, तो उसके पैसे कौन देगा? क्या पायलट और वो सब पैसे लेके चलते हैं? पेमेंट कैसे होता है? तो फिर मैंने पता किया तो उसमें यह है कि हर एयरपोर्ट पे जहाँ पे आप किसी प्लेन से जाते हैं तो उसकी एयरलाइंस की कंपनी होती है, वही आपको बोर्डिंग से लेकर बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। सपोज़ एयर इंडिया है, तो एयर इंडिया का अगर दिल्ली से दुबई, तो जाहिर सी बात है दुबई में भी इनका काउंटर होगा, वहाँ पे स्टाफ होंगे। तो दुबई एयरपोर्ट पे अब चूंकि प्लेन आना जाना है तो दुबई एयरपोर्ट के साथ इनकी एक इनका समझौता होगा, उनको हैंगर में मिलेगा कहाँ पे रनवे पे उतरना है, बाकी प्लेन कभी कभी खड़े करना है, क्या है, तो उसी देश के साथ और उस एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ इनका टाई अप होता है। तो फ्यूल के लिए पैसे कैश या वैसे नहीं देते, इनका अपना पूरा एक बिलिंग सिस्टम चलता है, अब वो मंथली हो या कुछ हो, लेकिन पे करने की ज़रूरत नहीं, वो एयरलाइंस की कंपनी जो है वो पे करती है। उसी तरीके से अगर दुबई एयरलाइंस की कोई फ्लाइट दिल्ली में उतरती है
तो उनको भी यहाँ रुपीज़ में पे करने की ज़रूरत नहीं, वो उनकी कंपनी के साथ उनका टाई अप होता है, तो इस तरीके से पैसे पे करते हैं। लेकिन ये सवाल इंटरेस्टिंग था। अनुराग कुंभज हैं और ये ऑपरेशन कैक्टस सुनना चाहते हैं, सुनाता हूँ आपको जल्दी। अनमोल सिंह रानिया हैं और इन्होंने कुछ स्टोरी बताई है, तो वो भी सुनाऊंगा जल्दी। अब दीपक बताओ। सर खतरनाक ददुआ के बारे में ये कहा जाता है कि ये उत्तर भारत का वीरप्पन था, लेकिन वीरप्पन ज़्यादा खतरनाक था। ये अगर ये सवाल मुझसे पूछे और कहें कि आपको जवाब देना ही है, मस्ट है, तो फिर भी मैं मानूंगा कि वीरप्पन ज़्यादा खतरनाक था। सर राहुल जोशी, और कई लोगों का सवाल है कि आपकी वॉलेट फुल दिख रहा था, कार्ड यूज़ करते हैं कि पैसे यूज़ करते हैं? ओह सॉरी, मैं इसको सही कर राहुल साहब, बाकी असल में इसमें बहुत सारे पेपर हैं और बाकी चीज़ें हैं, कार्ड भी है, तो इसलिए ज़्यादा हरा भरा दिख रहा है। पैसे मैं बहुत वॉलेट में कम रखता हूँ, मिलते ही नहीं है ज़्यादा घर से, तो जितना मिल जाता है वही रख लेता हूँ। सर ददुआ को एनकाउंटर करने वाले जो पुलिस इंस्पेक्टर से, कभी आप उन्हें क्राइम सेट पे लेके आइए? मैं कोशिश करूँगा, एक अमिताभ यश जी हैं, कभी अगर मौका मिला और वो दिल्ली में हो तो मैं ज़रूर लाऊंगा और उनसे बोलूंगा कि क्राइम तक फैमिली से आप अपना पूरा एक्सपीरियंस एनकाउंटर का। उन्होंने कई जगह कहा भी है कि किस तरीके से जब ये एनकाउंटर चल रहा था तो अचानक एक लेडी और कुछ लोग भी आ गए थे एनकाउंटर की जगह पर। अब ये था कि गोली वोली चल जाएगी, उनको नुकसान ना हो, तो वो बड़ा अजीब सा एक सिचुएशन था कुछ देर का। फिर किसी तरह उन लोगों को साइड किया गया, ले जाया गया, उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, वो बेहतर ही बता सकते हैं, क्योंकि पूरा उन्होंने 3 महीने लगातार अपने आप को झोंक रखा था ददुआ के पीछे। सर कुछ दिन पहले जब लाइट गई थी तो जो ये सेट था बहुत खौफनाक लगा था, जिसमें आप जब कहानी सुना रहे थे तो कई लोगों को पसंद आई चीज़। अच्छा, अभी जो लाइट चली गई थी, हाँ कई बार क्या होता है कि लाइट चली जाती है तो सेट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और ख़ासतौर पर मुझे लगा कि आपने जिसने भी बताया ये क्राइम की स्टोरी की फीलिंग के लिए कभी कभी कम रोशनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये आज हालांकि ये जानबूझ के नहीं हुआ, बस चली गई, तो लेकिन थोड़ी देर के लिए वो माहौल शायद बना गई। सर अमित मिश्रा जी के एक बार नाम लीजिए, बहुत देर से रुक गए। अमित मिश्रा जी कैसे हैं आप? बस ऐसे ही आप क्राइम तक की कहानियां सुनते रहें, अपनी बातें बताते रहें। सर झारखंड में भी कई सारे डाकू हैं, आप क्यों झारखंड के डाकुओं के ऊपर भी कोई कहानी बताएं? चलिए मैं झारखंड के डाकुओं की तलाश करता हूं और फिर सामने लाता हूं, फिर आप तक पहुंचाता हूं। सर डकैत बबली कॉल की भी कहानी सुनना चाहते हैं आप? डकैत बबली कॉल की कहानी, ठीक है मैं जल्दी सुनाता हूं। सर चिन्मयानंद पे क्या अपडेट है अभी? चिन्मयानंद अभी भी जेल में है और मामला कोर्ट में है, जैसे ही कुछ इस पर अपडेट होगा या आगे जो भी चीज़ें होंगी, चार्जशीट फाइल होगी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सर 26/11 आके चली गई, किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है 26/11 ध्यान नहीं दिया। एक तो 26/11 को हाँ मैं दफ्तर में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद लास्ट ईयर 26/11 की पूरी आपको कहानी सुना दी थी, और मुझे लगता है कि अब हमें उस गम से और उन चीज़ों से थोड़ा सा आगे भी बढ़ना चाहिए। तो इतने साल हो गए, करीब 10-11 साल तो हो ही गए, 11 साल, तो वो जब भी याद करते हैं तो फिर उन्हीं चीज़ों में लौट जाते हैं। लेकिन ये है कि 26/11 अभी बीता है और इसको लेकर लोगों को याद भी किया गया, तो जो जिन लोगों को भी, जिन्होंने अपना परिवार खोया, अपनों को खोया, उन सब के साथ हम तमाम लोगों के, पूरे हर हिंदुस्तानी की हमदर्दी है। सर डॉन आनंद पाल सिंह के ऊपर कहानी, राजस्थान के डॉन, देखिए आनंद पाल सिंह की भी मैं कहानी सुना चुका हूँ, इसी क्राइम तक की लिस्ट में आप जाएंगे तो ज़रूर मिलेगा, और आनंद पाल सिंह की पूरी इनकाउंटर से लेकर जिंदगी सारी कहानी है उसमें। सर भोपाल गैस लीक के बारे में सुनाइए, अंकित साहू जी का सवाल। अंकित साहू साहब, मैं भोपाल गैस लीक की भी कहानी सुना चुका हूँ और इसी क्राइम तक की लिस्ट में। सर गीतांजलि यादव कह रही है, हेलो सर, बिग फैन ऑफ योर्स, लव दी योर डिस्क्राइब स्टोरीज एंड मोर ओवर द डिटेल्स यू हैव प्रोवाइडेड इन दोस, आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिमिनल साइकोलॉजी, होप टू मीट यू समडे पर्सनली। थैंक यू गीतांजलि जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो आपने कई बार लिस्ट मुझे बताई, आज कई कहानियों की, व्यापम हो या फिर भोपाल गैस हो या फिर और भी सारी कहानियां लिस्ट में, आप एक बार लिस्ट में जाएंगे तो आपको जरूर मिलेंगी, तो आप उसमें देखिए और सुनिए फिर। सही सवाल है, हाँ बताओ, लास्ट बताओ, ददुआ की कितनी वाइफ थी, क्या डाकू बहुत सारी शादियां करते हैं? ददुआ की जहाँ तक मेरी जानकारी है सिर्फ एक वाइफ थी, उनका एक ही बेटा था, और मतलब इसके अलावा और कोई शादी या हुआ ये मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन जो पूरी जानकारी है वो सिर्फ ये कि एक ही बीवी थी। तो आज इतना ही, कल मुलाकात होगी, कल फ्राइडे है, क्राइम तक की किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।